नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा दुनिया पे। मैं पूनम आपके साथ। इकतास में पूजा भट्ट को सभी कंटेस्टेंट को एक फिल्म में कास्ट करना था। इसके लिए सभी कंटेस्टेंट्स को ऑडिशन देना था। डायरेक्टर बनी पूजा भट्ट ने हीरोइन के लिए जिया शंकर को चुना और विलेन के लिए एल्विश यादव को। पूजा भट्ट ने पहले विलेन का रोल मनीषा रानी को दिया था। उन्होंने मनीषा को विलेन बनने के लिए कहा था, लेकिन जब वह नहीं मानी तो उन्होंने पासिंग रोल के लिए ऑडिशन देने के लिए कहा। मनीषा रानी के साफ लफ्जों में कहा कि उन्हें हीरोइन बनना है, लेकिन पूजा नहीं मानी। दोनों के बीच थोड़ी बहस भी हुई। बाद में कास्टिंग पूरी होने के बाद जनता के द्वारा पूजा भट्ट की कास्ट को नकार दिया गया, जिसके बाद लोग काफ़ी खुश हुए। दिलचस्प बात यह है कि पूजा जिसे विलेन और पासिंग कैरेक्टर बता रही थी, उसे खुद आलिया भट्ट ने हीरोइन कहा था। रॉकी और रानी के प्रेम कहानी के प्रमोशनल इवेंट में आलिया भट्ट से पूछा गया था कि बिग बॉस OTT2 में उन्हें कौन रॉकी और कौन रानी लगती है। इस पर आलिया ने एल्विश यादव को रॉकी बताया था, क्योंकि वह बहुत कूल हैं। वहीं उन्होंने मनीषा रानी को हीरोइन बताया था। आलिया ने कहा था कि एक तो मनीषा के नाम में रानी है और दूसरा उनकी जोड़ी एल्विश के साथ काफ़ी अच्छी लगती है। पूजा भट्ट और आलिया भट्ट के इन स्टेटमेंट पर सोशल मीडिया पर चर्चा का बाजार गर्म है और लोग पूजा को बुरी तरह से ट्रोल कर रहे हैं, साथ ही उनकी कास्टिंग को अनफेयर बता रहे हैं। बता दें कि पूजा और आलिया सौतेली बहनें हैं। पूजा महेश की पहली पत्नी से बेटी है, जबकि आलिया दूसरी पत्नी से। इसी के साथ बने रहे राजनामा दुनिया के साथ। धन्यवाद।